ये अंकल हैं जी, ये बर्फ में से रेस्क्यू किया गया इनको। अभी ये एसएचओ साहब और डीएसपी साहब की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया है यहाँ पे, और ये आग के आगे आग जलाई गई है, इनको इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। ये एसएचओ साहब हैं। अब छोटी सी बात बता दूंगा, अगर इन केस किसी जगह पे आप फंस जाए अल्लाह ना करे, अगर और कुछ नहीं तो आपके पास जो एक्स्ट्रा कुछ चीज है जैसे बॉटल्स हैं, अच्छा सीट्स के जो आपके वो जो कवर्स होते हैं, इस टाइप की जो चीज आप समझ में जिसको आग भी लग सकती है, जिसे आप इन बतौर ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हीट के तौर पे आप इस्तेमाल सकते हैं, उसको जलाएं और इस्तेमाल करें। नंबर दो, थोड़ा सा आप नजदीक हो, ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें आपको एक चीज में बताता चलूं, ये जो दरख्त होते हैं इनके नीचे एक बड़ा जो ईंधन बर्फ के नीचे जो है ना ईंधन या खुशक लकड़ी की एक अच्छी खासी मकदार जमा हुई होती है। अगर यहाँ फंस जाए थोड़ी सी, एक बंदा जो स्ट्रगल कर सकता है वो स्ट्रगल करे, और स्ट्रगल करने के बाद जो है ना वो ईंधन ये लकड़ी इकट्ठी करे। जैसे हमने यहाँ पे ये लकड़ी इकट्ठी की, और लकड़ी जब इकट्ठी की तो बाजार ये सब्ज नजर आ रही थी, लेकिन इसको आराम से आग लग चुकी है और हमने इसको जो है ना आग लगाई और हम लोगों के हीट के इंतजाम किए।